पहले स्टूडेंट्स आकर के, जैसा कि यहाँ पर जो रोल नंबर्स की लिस्ट लगी हुई है, पहले उसमें अपना रूम नंबर देखते हैं। रोल नंबर के हिसाब से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स पहले देख रहे हैं कि किस उसमें रूम में उनका एग्ज़ाम है, किस में उन्हें देना है। फिर उसके बाद जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर एंट्री दी जाएगी, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई गई है प्रशासनिक तौर पर परीक्षा केंद्र पर। हाँ जैसा कि आपको अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक बनाया गया है अग्रसेन इंटर कॉलेज से, यहाँ पर श्री टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज में भेजा गया है, तो क्या क्या व्यवस्थाएं आपको देखनी है यहाँ पर? यहाँ पर जो अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक का मुख्य दायित्व है, वो जिस अलमारी में प्रश्न पत्र रखे हुए हैं उसमें डबल लॉक की व्यवस्था इस बार शासन ने पहली बार की है, और उसमें डबल लॉक का जो प्रभारी होता है वो अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक होता है, जबकि पहले लॉक का प्रभारी यहाँ का केंद्र व्यवस्थापक होता है। दोनों के पास एक एक चाबी रहती है और बाकी की सभी चाबियाँ सील बंद होती हैं, और जब भी अलमारी को खोला जाएगा, डबल लॉक को खोला जाएगा, तो अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और प्रथम केंद्र व्यवस्थापक दोनों के द्वारा अलमारी को खोला जा सकता है और उन्हीं के द्वारा बंद किया जाएगा। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पर जैसे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कैसी है? यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर की बहुत अच्छी व्यवस्था है और सभी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हाई स्कूल के जो परीक्षार्थी हैं वो उनकी एंट्री स्टार्ट हो गई है परीक्षा केंद्र पर। चेकिंग चल रही है, जो स्टूडेंट्स लेकर के आए हैं अपना जो पॉकेट बॉक्स है, प्रवेश पत्र देखे जा रहे हैं उसमें, साथ ही साथ देखिए चेकिंग भी हो रही है, एक प्रवेश पत्र और इत्यादि के लिए दूसरी भी लाइन है, यानी दो दो लाइनों का वो है। जैसा आप देख रहे होंगे पूरी चेकिंग की प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए रूमाल को भी दिखा रहा है, इसमें तो कोई नहीं है। इस बार नकल को रोकने की पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पर मोबाइल फोन और इत्यादि जो भी हैं, पर्स इत्यादि, उनको रखने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। एक परीक्षा केंद्र पर जो रूम है जहाँ परीक्षा देंगे, देखिए जैसा कि बोर्ड ने कहा था कि हर परीक्षा केंद्र के हर रूम में सीसीटीवी कैमरे होंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। बैठने की व्यवस्था है एक पर दो, राइट और लेफ्ट में, और ये एक नहीं है, एक पूरे कमरे में दो दो सीसीटीवी कैमरे हैं, जैसा आप देख रहे होंगे, यानी कि आगे से भी और पीछे से भी। यह मैं आपको दिखा रहा हूँ इस बार जो इस तरीके से बैठने की व्यवस्था है, जिस टीचर की ड्यूटी है वह अपने रूम में पहुंच चुके हैं। बता दूं कि इस बार जो ड्यूटी लगाई गई है वह बोर्ड से लगाई गई है, ना कि जो प्रधानाचार्य स्तर से। और इस बार देखिए प्रवेश पत्र जो है, मतलब एक तरीके से जो आइडेंटिटी कार्ड है जो कक्ष निरीक्षक का, उसका वहीं से आया, और बार कोड वाला है जैसा आप देख रहे होंगे। एक अपने स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड होता है और एक जो बार कोड वाला यूपी बोर्ड का जो आइडेंटिटी कार्ड है वह। अच्छा, हम पूछ लेते हैं इनसे। फिर एक डेली डायरी है जिसमें हमें बच्चों की एंट्री को फिल करना है, उनका सिटिंग प्लान है, सब कुछ इसमें मेंशन है, फर्स्ट पारी सेकंड पारी इसके हिसाब से। और एक हमें कॉपीज को मेंशन करने के लिए मिली, एक डायरी मिली है जो कि वो और मैम के एक पास एक में कमरे है। कितने की ड्यूटी है? एक की, दो की? दो दो इन्विजिलेटर है। इन्विजिलेटर की ड्यूटी है। स्टूडेंट्स की एंट्री स्टार्ट हो गई है, वह अपना नंबर देख करके और बैठ रहे हैं अपना रोल नंबर के हिसाब से, और इसमें सहयोग कर रहे हैं जो कक्ष निरीक्षक हैं उनके द्वारा। ये देखिए बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने के लिए आ चुके हैं, सभी बच्चों को शुभकामनाएं उनकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। ये देखिए कोविड नियमों का पालन करते हुए सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है, हर एक स्टूडेंट को सैनिटाइज कराया जा रहा है, साथ ही साथ जो टेम्परेचर है टेम्परेचर भी देखा जा रहा है, जैसा आप देख रहे होंगे।
इंटर का जो जो कंट्रोल रूम होता है जहाँ पर कि जितने भी कक्ष में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सब का इसमें डिस्प्ले होता है, तो इस पर देखिए इसके द्वारा नज़र रखी जा रही है और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वह पूरी तरीके से रहेगी। ये देखिए पूरी तरीके से बड़े डिस्प्ले में दिख रहा है। ये अधिकतर जो है जो प्रिंसिपल ऑफिस होता है उसमें लगभग बनाया हुआ होता है। अभिभावक तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर कैसी व्यवस्था है सेंटर पर। तो कैसी व्यवस्था है सेंटर पर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर। अच्छा, कि कोविड नियमों का पालन इत्यादि? हाँ, पूरा पालन किया जा रहा है कोविड नियमों का। और चेकिंग? चेकिंग भी अब पहले स्टार्टिंग में नहीं हो पाई थी, लेकिन अब सही तरीके से चेकिंग चल रही है और बच्चे पूरी चेकिंग करा के ही अंदर जा रहे हैं अपने कमरों में। स्कूल के पास ही स्टेशनरी की दुकान है ताकि बच्चे पेन पेंसिल इत्यादि खरीद सकें ताकि एग्जाम उचित पूर्वक हो सके, जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहली पारी की हाईस्कूल की परीक्षा समाप्त हो गई है। अभिभावक यहाँ टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर बच्चों को इंतजार में हैं, जैसा आप दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए परीक्षा समाप्त हो चुकी है हाईस्कूल की पहली पाली की और परीक्षार्थी निकल रहे हैं लगातार सेंटर से अपने। देखिए हम इस समय हैं SMB इंटर कॉलेज अलीगढ़ में, तो जहां पर जो सेंटर पड़ा हुआ है वह अलग अलग 10 स्कूलों का भी है और इसमें जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि CCTV कैमरे नाइट विजन के सहित पूरे कैंपस को और जो परीक्षा कक्ष हैं उनको कवर्ड किया गया है, जैसा आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से इस समय परीक्षा की जो पारदर्शिता है उसको लिए बहुत अच्छा व्यवस्था सेंटर के द्वारा और प्रशासन के द्वारा की गई है। आप SME इंटर कॉलेज में अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के रूप में हैं जी, तो क्या क्या व्यवस्थाएं देखनी पड़ रही हैं? हम यहाँ क्लास में भी देखते हैं और मेन काम हमारा है प्रश्न पत्रों की सुरक्षा करना, डबल लॉक को जो है उसको देखना। अच्छा, तो उसमें एक चाबी जैसा सुना जाता है एक प्रिंसिपल पर रहती है, एक आप पर रहती है? हाँ, एक चाबी जो मेन चाबी है अलमारी की वो प्रिंसिपल साहब के है और जो ऊपर की डबल लॉक है उसकी चाबी 3 सेट है जिसमें 2 प्रिंसिपल साहब ने हमें रिसीव करा रखी है। अच्छा। हाँ, एक सील करके यहाँ कॉलेज में रखी गई है प्रिंसिपल साहब के पास में। अच्छा, यहाँ पर CCTV कैमरे की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत फर्स्ट क्लास है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत अच्छा विद्यालय भी है और CCTV तो बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर सभी कमरों में। तो यहाँ गर्ल्स और बॉयज दोनों के सेंटर है? दोनों के सेंटर है। स्टूडेंट अपने रोल नंबर देख करके और अपना परीक्षा कक्ष देख रहे हैं कि किसमें उनका परीक्षा होनी है, गहमा गहमी है ये देख रहे होंगे आप। यहाँ पर जो है SME इंटर कॉलेज में गर्ल्स का भी सेंटर पड़ा हुआ है जैसा आप देख रहे होंगे, थोड़ा भी बनाइए। ये देखिए विजय का प्रतीक, विक्ट्री, बेस्ट ऑफ लक। ये देखिए स्टूडेंट्स, उनके साथ में अभिभावक भी आए हुए हैं और पहले अपना रोल नंबर चेक करना, फिर उसके बाद जैसा आप देख रहे हैं इस बार ऑनलाइन नहीं है, सब ऑफलाइन है क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं वो पहले ऑनलाइन में बिना परीक्षा के पास का मजा ले चुके हैं, इस बार ऑफलाइन है। ये देखिए अनाउंसमेंट के लिए कैंपस में साउंड सिस्टम लगा हुआ है। कुछ बातें आपको बतानी है वो ध्यान रखें। पहली, कोई भी छात्र अपने साथ मोबाइल, बुक और भी अन्य सामग्री कुछ भी नहीं ले जाएगा, केवल हॉल टिकट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, पेन, जो भी बॉक्स है उसके अलावा कोई भी सामान नहीं जाएगा, ध्यान रखें।
दूसरी बात, अपने प्रॉपर्टी जो नेम है उसकी गवाही ले लें, कोई भी कागज कोई पर्ची कुछ भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। अपने सीटिंग रोल नंबर्स को अपने ब्लैक बोर्ड पर सीटिंग प्लान लगा हुआ है देखें और ये मालूम करें कि आपको कौन सा कमरा आवंटित है। उसके पश्चात यहाँ पर लाइन लगा लें, एक एक बच्चे की एक एक छात्र की पढ़ाई होगी। जो गर्ल्स हमारी छात्राएं हैं वो अलग से लाइन लगाए और जेंट्स छात्र अलग से लाइन लगाए, उनकी अलग होगी उनके अलग। उसके पश्चात सुनिए, आप रूम में जाएंगे, रूम में जाने के बाद अपनी सीट पर बैठेंगे। सीट पर बैठने पर कोई भी छात्र जो डेस्क थपकी हुई है उनको फाड़ेंगे नहीं। हाई स्कूल की भी चुपी हुई है, इंटर की भी चुपी हुई है, कोई भी छात्र फाड़ेगा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप हर एक कमरे में दोनों कैमरे लगे हुए हैं, हर एक जगह कैमरा विद्यालय में। जो भी छात्र विद्यालय में है वो सीसी कैमरे के अंतर्गत है, उसकी निगरानी में है। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपकी परेशानी बढ़ा हो, आराम से जाइए। देखिए चेकिंग व्यवस्था, जाने से पहले परीक्षा कक्ष में पूरी तरीके से देखिए, तीन तीन टीचर लगे हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है स्टूडेंट्स की। यूट्यूब ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरी तरीके से पैंट शर्ट जो भी ड्रेस है उसकी तलाशी ली जा रही है, जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज़ की तलाशी के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। प्रवेश पत्र देखे जा रहे हैं, देखिए बैग की इजाज़त नहीं है। जैसा आप देख रहे होंगे अभी भी तलाश रहे हैं अपना नंबर, अभिभावक भी साथ हैं। पेपर याद रखो।